एक्चुअली दिक्कत ये है कि मैं बोल ज़्यादा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ठंड हो गई है, तो आप लोग वीडियो देखो और ये देखो कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, और पार्ट टू को एंजॉय करो। दिस इज GB पार्ट टू। अब आई ना फील, या मतलब सारा भूत उतर गया राइडिंग का, मैं सच बताऊं। वहां से हम बाइक चलाते 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 और ये है हमारा कॉटेज। ये है भाई अपनी हिजब वैली। तो हम सुबह सुबह उठ गए हैं, अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:30। ये ट्रैक जाते हुए सामने एक छोटा सा गांव है और यहाँ पे पुराने पुराने घर वगैरह बने हुए हैं। पॉइंट ये कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं क्योंकि GB वैसे भी उसको थोड़ा ऑफ बीट डेस्टिनेशन बोला जाता है, तो हम ऑफ बीट से भी 5 किलोमीटर आगे आ गए हैं सुपर ऑफ बीट में। सो आई विल जस्ट शो यू वेयर वी आर स्टेइंग। द मिस्टिक वाइल्ड्स होम करके इनके ओनर हैं हमारे चाह चनाना जी, और वो खुद भी एक प्रोफेशनल माउंटेनियर हैं। तो मड हाउस है, बहुत ही प्यारा मड हाउस है, रात को भी बढ़िया नींद आई। मैं दिखाता हूँ अंदर से कैसा है वो, और वो है हमारा स्टे बीच में जो आपको हट जैसी दिख रही है। एक कालू है, एक मैरी है। दिस इज मिस्टर चाहत, द ओनर ऑफ मिस्टी वाइल्ड। मैं हमेशा मिस्टिक बोल देता हूँ यहाँ पे, मिस्टी वाइल्ड। तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगेगा। यू वॉन्ट टू चिल फॉर अ वीक, मे बी फॉर अ मंथ एंड गेट अवे फ्रॉम मेबी, क्योंकि यहाँ पे अपना सिग्नल्स भी कम आते हैं ना। या सिग्नल आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे सिग्नल्स कम आते हैं। कनेक्टिविटी इज लो बट स्टिल कनेक्टेड बाय रोड। चलते चलते यहाँ पे नीचे आ गए, एक स्कूल है यहाँ पे, प्लस टू का पूरा स्कूल है, 12th तक यहाँ पे पढ़ाई होती है, और यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है। बारिश हो गई बहुत तगड़ी और ऊपर लग रहा है मेला। मेले में सबने जितने भी लोकल लोग हैं वो सब पहुँच गए ऊपर, और ऊपर मिल रही है जलेबी और पकौड़े। तो हम भी यहाँ ठंड एक्चुअली अच्छी खासी हो गई है, और यही है कि हम थोड़ा बारिश रुकने का वेट कर रहे थे, तो बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है, तो हमने सोचा कि ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर है और उसके बाद थोड़ा सा वॉकिंग का ट्रैक है, तो आप लगा लो GB से कम 9 या 10 किलोमीटर, और ऊपर जाके व्यू भी बहुत अच्छा आने वाला है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो हम लोग जाएंगे पैदल, लोकेश ने तो अपनी चढ़ा दी हिमालयन। थोड़ा सा ज्यादा गंदा ऑफ रोड है, हेलमेट हमने पहने नहीं हुए हैं, तो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। दूर से ही देख करके ऐसे घबरा जाते हैं, ऐसे घबरा जाते हैं। तो यहाँ से पैदल निकलेंगे और देखते हैं मेले का क्या सीन है। बारिश तो बहुत तेज हो गई है ब्रो। आई थिंक इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज नाउ। अबे साले, ये ऑफ रोड है, मैंने वहाँ पे इंटरसेप्टर खड़ी कर दी है। इससे ज़्यादा मतलब पिलियन है मेरे साथ, इसलिए मैं चांस ले लेना चाहता। लोकेश ऊपर से आ रहा है, पक्का कोई ना कोई न्यूज़ मिलेगी अभी। देखो मेरी हिमालयन भी स्किट कर रही है ऊपर। कर रही है ना, ठीक है। अगर अकेले बाइक लेके आ सकते हो ना 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 तो आ जाओ, क्योंकि गांव है दूर है। हाँ ओके ठीक है। और जो पास का मेला था ना, जो ग्राउंड का मेला था, वो हो गया खत्म। मैंने दीदी लोगों से पूछा, अच्छा तो वो हो गया खत्म, तो सीधा गांव में जाना पड़ेगा, और गांव है थोड़ा सा दूर वॉकिंग के। गांव यहाँ से दूर होगा ना, पैदल में पहुंच जाएंगे। तो जैसा आपने सुना कि भाई यहाँ पे ग्राउंड पे जो ऊपर मेला हो रहा है वो हो गया खत्म, और अपन जाने हैं गांव की साइड। यार सन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है वहाँ पे, देखना जरा। प्रॉब्लम छोटी छोटी दो हैं, वो है टेम्परेचर और बारिश।
तू हिल रहा है। ओके माउंटेन टॉप पे मेला देखने निकले हैं बारिश में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे कि मेरे पीछे दिख रहा है ये, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए लाइफ से तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। नहीं एक तो वाटर प्रूफ है। वाटर फायर प्रूफ तो नहीं है ना? नहीं। कितने खा देंगे? आधा किलो कर दो। इतना ये बहुत हो जाएगा धीरे से। देखो ये आधा किलो है, हैं? ले चलेंगे वापस अपने साथ। जो भी प्लान्ड होता है ना हम कभी वो नहीं करते। कुछ होता ही नहीं ऐसा। एक किलो ले लेंगे ना? नहीं नहीं और को भी दे देंगे। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ले लो एक किलो ले लो, है ना? ज्यादा एक किलो कर दो। जलेबी हम अभी खाएंगे और ये रही जलेबी। 8000 फुट पर आके जलेबी खाने का मजा कुछ और है जब तूफानी बारिश हो रही हो, ठंड इतनी नेक्स्ट लेवल हो रही हो और माउंटेन टॉप पे मन रहा हो त्योहार। मजा आया। क्यों नीचे अलग अपनी अलग आफ्टर पार्टी चल रही है नीचे एक अलग गांव में। ये मेले से निकल के हम लोग जा रहे हैं अपने कॉटेज की तरफ और फुल भयंकर बारिश के बाद हो रहा है यहाँ पे अंधेरा। तो जैसे चाहत कह रहे हैं कि अगर धूप मेंटेन रहती है आज के दिन में तो हम लोग रिवर यहीं पे साथ में ही रिवर है तो वहाँ पे भी छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, वहाँ जाके हम एक स्प्लैश ले सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं हल्की फुल्की से। डिपेंड करता है हमारे सूर्य देवता चमकते रहे और हम ज़रा रिवर साइड पर जाके थोड़ा सा आज मज़े लें, रिलैक्स करें। तो हम पूरा तैयार होकर अपने होम से बाहर निकले हैं, हल्के हल्के कपड़े पहने क्योंकि सनशाइन बहुत अच्छी है। गेस्ट हाउस के बगल में एक गांव है हेडअप और हेडअप इस गांव के नाम पर ही पूरी वैली है, हेडअप वैली। तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम जा रहे हैं एंड राइट इन फ्रंट ऑफ अस ये पूरा गांव है। और ये फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये घर है पुराने पुराने, ये मोर देन 500 ईयर्स पुराने पुराने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं। मोर देन 500 ईयर्स ओल्ड जिसमें लोग भी रहते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक पॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे ये पूरे के पूरे धान के इन्होंने खेत लगा रखे हैं। और सामने स्पेशली सबसे ज़्यादा तो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना मुझको ये घर और वो पीछे ब्लू वाला घर, एकदम ऐसे फैंटेसी वाली फील दे रहे हैं। छोटी छोटी जगहों पे जाके एक्सकर्शन करने में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। आप ऑफ बीट प्लेसेस की बात करते हैं तो ऑफ बीट प्लेसेस यही होते हैं, जैसे हमने तुरतुक किया था लेह में तो पूरा गांव हमने चेकआउट किया था। तो यहाँ पे काफ़ी सिमिलर सी फीलिंग आ रही है, ये बहुत ज़्यादा शांत है, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं है। सो ये हेडअप विलेज का विष्णु नारायण मंदिर है, अभी तो क्लोज है तो ये दूर से यही मंदिर जो आपको अट्रैक्ट करता है इस गांव की तरफ, इसके कलर्स इतने प्यारे हैं। तो बहुत ही लेज़ी मॉर्निंग है और लेज़ी मॉर्निंग में हम यहाँ पर आराम से चिल कर रहे हैं।
Just like him. ये जो हेड अप विलेज है यहाँ पे आपको कोई कैफे वगैरह नहीं मिलेगा. दिस इज जस्ट अ प्लेस टू विजिट. अपना आओ, इफ यू फाइंड अ फ्यू इंटरेस्टिंग प्लेसेस यहाँ पे आके आप पिक्चर्स वगैरह शूट करो एंड दैट्स इट. यहाँ की शांति का मजा लो. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं काली माता का मंदिर जलूरी ज्योत के नाम से, जलूरी पास के ऊपर. बट आवर डेस्टिनेशन इज़ नॉट दिस वन. जय माता दी बोल के आगे चलेंगे ट्रैक की तरफ जो यहाँ से 3 किलोमीटर है. पॉइंट ये है कि थोड़ा सा क्लाउडी हो गया ऊपर, तो देखना पड़ेगा कि आना जाना जो है वो क्विकली हो जाए. तो इस सड़क पे नीचे उतरो, चलें हम लोग. हाँ. तो चाहत भाई ने हमको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक करा है और बोला है कि हो जाएगा. तो हो जाएगा तो फिर हम चल दिए. सो फोर्ट की तरफ ट्रैक चालू कर दिया हम लोगों ने. धीरे धीरे चल रहे हैं बट बूंदा बांदी चालू हो चुकी है. टैंक बैग की मैंने स्लिंग लगा ली है और इसके अंदर रेनकोट भी है और इसके अंदर एक अम्ब्रेला भी है. और इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे साथ चाहत भाई भी हैं. ये वाला जो पार्ट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जलोरी पास जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही, लेकिन ये वाला जो ट्रैक है यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं जाते, जनरली यंगस्टर्स ही जाते हैं. यहाँ से दिखेगा नहीं, गाँव उधर है. वहाँ से आए हम लोग नीचे से और सीधा यहाँ पे. थोड़ा सा स्टीप है, थोड़ा सा भाई क्या मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, जस्टिस नहीं करता एक्चुअली. लोकेश लोकेश रमीन लोकेश वो हो रहा है, उस नीली शॉप में बैठा है वो. ये हेलो हेलो लोकेश कम इन. मैं कहता आने का कुछ प्रोग्राम है आपका? अभी तो हम लोग अपना सीटो एंजॉय कर रहे हैं, दो दिन मंगवा लिया अभी तक हम लोगों ने. चलो सही है, हम टॉप पे पहुंच गए हैं. ओके डन डन डन. पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए हम लोग फाइनली. थोड़ा मैगी शैगी खाते हैं. ये लो यार, थोड़ा मैगी शैगी खाएंगे. व्यू देखते हैं बढ़िया. ये बादल हो रहे हैं यार फुल, थोड़ा सा तो डर लग रहा है इसका. थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए. अब दिखे ना बादल. टकाटक बादल आ गए, हम नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पे माता का टेंपल है, अच्छा है, बहुत पुराना बना हुआ है बट अब थोड़ा सा मौसम बिगड़ रहा है तो सीधा निकलते हैं. जीबी वगैरह हम जा रहे थे लेकिन जीबी हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि इतना जबरदस्त ट्रैफिक था. रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज आते हैं. और दो तीन लोगों की तबीयत भी खराब हो रही थी, चार में से तीन लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, उनमें से मैं भी एक हूँ. तो हम वापस आ गए अपने कॉटेज की तरफ. मड हाउस है बेसिकली, अंदर से इंसुलेटेड रहता है. सो लोकेश ने कॉल ली थी कि यहाँ पे जो दो सोफा रखे हुए थे ये बेसिकली कॉरिडोर है, यहाँ पे
एक रूम है, यहाँ पे सेकंड रूम है। तो कॉरिडोर में जो सोफा रखे हुए थे वो रश्मि और लोकेश ने लगा दिए यहाँ पे, और ये बन गया है हमारा एक कैफे, मिनी कैफे, इन हाउस कैफे। कैसा लग रहा तुमको? नहीं तो हम लोग थोड़ा बैठ के यहाँ पे चिल करेंगे, डिनर विनर खाएंगे, थोड़ा सा क्या, पूरा ही अनऑर्गेनाइज कर दिया हमने, सारा सामान फैला दिया है क्योंकि अल्टीमेटली आज हमें पैक करना है। ये जो विंडोज है, यहाँ से सुबह सनलाइट अंदर आती है तो सामने पहाड़ है, उठते हैं तो बहुत ही अच्छा व्यू होता है। यहाँ पे भी कबर्ड्स हैं, हमारी जैकेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ है। स्पेशलिटी ये है कि ये जो मड हाउस है ये ना इंसुलेटेड रहता है, यानी कि सर्दियों में अंदर रहता है गर्म और गर्मियों में रहता है ठंडा। डेकोर भी बहुत ही अच्छा है, चाहत ने काफ़ी टेस्टफुली इसको डेकोरेट किया हुआ है, हमने इसी ऐसी तैसी कर दी है। वापस से अपनी बाइक हो गई है लोड और यहाँ से हम निकलेंगे नारकंडा की तरफ या फिर तत्तापानी की तरफ, वहाँ जाके देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली तत्तापानी की तरफ, नहीं नारकंडा की तरफ, क्योंकि वो रोड थोड़ा सा चौड़ा है। तो फाइनली घर की तरफ वापस, पॉसिबली नारकंडा का रूट लेते हुए। तो ये वाला रास्ता तो था, जब हम आ रहे थे तो पूरा का पूरा अंधेरा था, काफ़ी रात को स्केरी सा लग रहा था, लेकिन दोपहर में भाई इसका अलग ही व्यू है। तो फिर से हम जलोरी पास की तरफ चढ़ते हुए, कल ही हम घूम के आए लेकिन आज जलोरी पास को एज अ पास हम यूज़ करेंगे, नॉट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वहाँ से होते हुए आगे की तरफ निकलेंगे नारकंडा की तरफ। भाई राइड के मज़े लेने हो ना तो ऐसी रोड होना मैंडेटरी है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको पूरी दूर तक माउंटेन रेंज, आज काफ़ी क्रिस्टल क्लियर व्यू है। सो फिर से आज हम पहुँच गए हैं अपना जिलोरी पास, और यहाँ हम रुकेंगे नहीं लेकिन कहेंगे जय माता दी और निकलेंगे यहाँ से सीधा नारकंडा की तरफ। जिलोरी पास से आगे आते हुए ये स्टीप कट्स मिलेंगे आपको, हेयर पिन बेंड्स मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आराम आराम से चलाएं। सो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हुए मैं चल रहा हूँ, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा ब्रेक भी आप यूज़ नहीं कर सकते। कल बारिश में क्या हुआ था कि हम लोग काफ़ी ब्रेक यूज़ कर रहे थे, इंजन ब्रेकिंग के साथ साथ ब्रेक यूज़ करनी पड़ रही थी, क्योंकि जिलोरी पास नीचे जाते हुए जीपी की तरफ बहुत ज़्यादा स्टीप है, और जब रोड गीली हो गई तो हमें जितनी मर्जी कंट्रोल आगे पीछे वाली ब्रेक कर लें, इंजन ब्रेकिंग करने, हल्की सी ब्रेक जो है वो सॉफ्ट हो ही गई थी। सो इस तरीके की ड्राई रोड्स जब मिलती हैं तब इंजन ब्रेकिंग बहुत काम आती है। मैं सेकंड गियर पे नीचे उतार रहा हूँ और बिल्कुल भी एक्सेलरेटर नहीं देता, सिर्फ ब्रेक का यूज़ करता हूँ, वो भी पीछे वाली। तो देख रहे हो मेरे हाथ जो है बिल्कुल फ्री हैं और सिर्फ पीछे वाली ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, और सेकंड गियर पे अपने आप बाइक चल रही है। ओके। सो ऑफ रोडिंग वाला पार्ट आ चुका है यहाँ पे, अच्छा हुआ आज बारिश नहीं हुई वरना बहुत सीन क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी नीचे बहुत जल्दी हम उतर गए, और बहुत ही बढ़िया रोड यार, मज़ा आ गया। पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। सो कल रात को हमने सोचा था कि पेट्रोल पंप से भरवा लेंगे, लेकिन पेट्रोल पंप उम्मीद से थोड़ा ज़्यादा दूर निकला, तो ये इमरजेंसी फिलअप कराना पड़ा। आई नो कि इसमें थोड़ा बहुत मिक्सिंग होगा। फाइनली अपन लोग पहुंच गए नारकंडा, नारकंडा में उसी कैफे में रुके हुए हैं जहाँ पिछली बार स्पीति जाने से पहले हम रुके थे। यहाँ पे हमारी बाइक पार्क्ड है, टैंक बैग उठा लेते हैं और चलते हैं सीधा अंदर। बहुत कोशिश करी मैंने अपने बाल सेट करने के लिए लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ वाले नींबू पानी वगैरह भी ले आए हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस ट्रिप, यहाँ से सीधा हम दिल्ली की तरफ निकलेंगे। एंड दैट्स इट, इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि मैं कम ही टूर पर निकलता हूँ इंटरसेप्टर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियोस देखनी है मॉडिफिकेशन या फिर छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपकी बाइक थोड़ी सी बेटर लुकिंग और यूटिलिटी वाइज भी बेटर हो सकती है, सो कीप वॉचिंग द अदर वीडियोज। बाकी बाय। एक बंदा रह गया, बंदा एक बंदी रह गई। बाय 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 बाय।